हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ की सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक, जो कि 2022 और या 23 का है, जिसमें हम लोग अच्छे से इसके सभी पाठों के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इसमें प्रश्नोत्तर भी हैं, इसके पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी। और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आपका जैसा कि पेपर भी है 7 तारीख को, तो हम लोग इसका देखेंगे। इसमें आपके देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें 4 पार्ट में आपके सामाजिक विज्ञान को यानी कि आपके बांटा हुआ है। ये देखिए, समकालीन भारत इसमें दिया गया है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2 दिया गया है, और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, और फिर यहाँ पे आर्थिक विकास की समझ। ये आपके 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग अभी इस पार्ट में देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, हम लोग इस वाले को देखेंगे आज और समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि अगर आगे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका ये आपका सामाजिक विज्ञान का ये राजनीति है, जो कि भाग 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे ये सभी पार्ट है, और इसमें आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ये आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समझने के लिए हम लोग इसमें चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें आपको पीडीएफ के द्वारा यानी कि पेज के द्वारा हम लोग करेंगे इसमें, और इसमें आपको विद आंसर भी रहेगा, आपको बिल्कुल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए, जैसे आपका ये दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो इसमें आपको पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें दिया रहता है। तो देखिए, पहले पार्ट में आपका दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव आ रहा, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे और इसको देखेंगे क्या होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो इसमें दिया गया 1956 में दिया गया है, 1942 दिया गया है, 1948 दिया गया है, 1947 दिया गया था। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947, उसके बाद ही हमारा ये श्रीलंका जो है यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना हुआ था हमारे देश के आज़ाद होने के बाद। ठीक है, बिल्कुल। अगला दिया है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, कि यूरोप में स्थित है, क्या आपका एशिया में स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपका। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यूरोप में ये स्थित है। कौन सा, बेल्जियम। हम लोग पढ़े थे जब पाठ को, तो उसमें बेल्जियम में यूरोप शामिल है। ठीक है, यूरोप में ही है बेल्जियम। ठीक है, अच्छा, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सीलोन, सिहली, श्रीलंका, श्रीलंकाई। सीलोन दिया गया है आपका, श्रीलंका दिया गया है, सिंघली दिया गया है, श्रीलंकाई, तो आपका इसमें से हो जाएगा सिंघली हो जाएगा, जो कि सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंघली हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, ठीक है, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी मानी गई है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष। तो इसमें मानी गई है आपकी 18 वर्ष दिया गया है, जो कि सही है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम लोग, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे का क्या क्या दिया गया है इसमें, समझते हैं इसको हम लोग। तो इसमें दिया गया है आपका, पहला दिया गया है भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, भारत का पड़ोसी देश जर्मनी है कि रूस है कि अमेरिका है कि नेपाल है। तो हमारा वैसे भी पड़ोसी देश तो हमारा नेपाल ही है, जो कि सबसे ऊपर पड़ता है नेपाल। शासन के विभिन्न अंग कितने होते हैं, शासन के कितने अंग होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 2 होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका। वैसे इसका जो होता है आंसर होता है वो 3 इसके भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला दिया, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता बंटवारे को क्या कहते हैं, सत्ता का जब बंटवारा होता है तो उसको क्या कहते हैं, सत्ता की सामाजिक साझेदारी कहेंगे, नहीं, सत्ता का आर्थिक वितरण कहेंगे, बिल्कुल नहीं, सत्ता का क्षैतिज वितरण बिल्कुल सही बात है, सत्ता का मौलिक वितरण बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा। अच्छा, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या हो सकता है, ये चीज़ देखते हैं। दिया है राजतंत्र दिया, समता व भाईचारा दिया, शासन का चलाना दिया, निरंकुश शासन दिया गया है। तो इसका आपका राजतंत्र नहीं है, ना शासन चलाना होता है, निरंकुश शासन भी नहीं होता, समानता व भाईचारा लाना लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है। अच्छा, अगला दिया गया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भारत में है, नहीं भारत में तो नहीं है, जापान नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, बेल्जियम में है ये। ठीक है, कहाँ है, बेल्जियम में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको, आगे आपका क्या दिया गया है,
लास्ट 10वां नंबर दिया गया है आपका, सत्ता की साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी जरूरी होता है। हम लोग जब पाठ पढ़े थे तो सत्ता की साझेदारी करना जरूरी बताया गया था, उसके बहुत सारे पैमाने बताए गए थे। ठीक है, तो क्या हो सकती है, यह विविधता को अपने में समेटे लेती है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग जब सत्ता में आएंगे तो अलग अलग सोच के आएंगे, अलग अलग काम होगा, बहुत सारी एक सोच से अनेक सोच अच्छी होती है। देश की एकता को कमज़ोर करना ही बिल्कुल गलत बात है। फैसले लेने में देर करती नहीं, ऐसा नहीं। निर्णय को मजबूत करती बिल्कुल नहीं, यह विविधता में अपने आप को समेटे होती है। तो ये हमने देख लिया इसको क्या क्या होता है इसमें से। अच्छा, इसमें अगला है आपका, दिया गया है आपका, ये सारे आंसर हैं, आप इसमें से आप देख सकते हैं। ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप नीचे से यहाँ पे नीचे मैथ्स एकेडमी या एसके कोचिंग क्लासेस दिया गया है, आप वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। खालिस्तान दिया गया है आपका यहाँ पर, 1950-1960 के दशक में और बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। कौन से हैं यहाँ पे, वहाँ पे दो थे, फ्रेंच और डच थे। कौन से? फ्रेंच और डच थे जो कि यहाँ पे बोल रहे थे, फ्रेंच और डच। ठीक है, यही थे दोनों। अच्छा, आगे बात करें हम लोग, महात्मा गांधी के अनुसार राज वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना है। कौन सी? पंचायती राज। जो पंचायती राज होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा होगा? पंचायती राज होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है। अच्छा, सत्ता की साझेदारी की आत्मा क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र। अच्छा, केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सरकार कहते हैं। कौन सी सरकार कहते हैं? सामुदायिक सरकार। देखिए यहाँ पे दिया गया है समुदाय का एक सरकार अलग से होता है, तो इसमें कोई नहीं, हमको याद करना है, सामुदायिक सरकार कहलाते हैं। अच्छा, भारत में राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो 28 यहाँ पे हमारे राज्य हैं और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले 7 होते थे, अब 9 हैं। अच्छा, दिया गया है फ्ले में इला के लोग भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच बोलते थे। कौन सी? डच बोलते थे। अगला दिन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? करता है राष्ट्रपति। करता है कौन? करता है राष्ट्रपति। करता है, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, सिंहली धर्म के, इसीलिए पहले श्रीलंका को पहले क्या नाम था? सिंहली ही नाम था श्रीलंका के पहले। अच्छा, दिया के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में 10 और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। ये बेल्जियम में ऐसा होता था। कहाँ होता था? बेल्जियम में होता था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे समझ में, हमको तो याद करने हैं, रिवीजन करने हैं, तो बिल्कुल आपको रिवीजन यहाँ पे होता चलेगा। ठीक है, आगे दिया गया यहाँ पे, अगला देख लेते हैं दिया गया यहाँ पे। अच्छा, ये 9वां हो गया। 10वां, राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न सरकार नीतियों और निर्णय को प्रभावित करती हैं। दाब समूह, दबाव समूह। एक दबाव समूह होता है जो विपक्ष होता है, विपक्ष के रूप में भी दबाव समूह को हम जान सकते हैं। ये नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा, जोड़ी देख लेते हैं हम लोग, सही जोड़ी देख लेते हैं क्या है इसमें दिया गया है। गृह युद्ध, गृह युद्ध कहाँ हुआ था? ये असंगठित गुटों के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? असंगठित गुटों के बीच में हुआ था। LTTE क्या है? ये क्या था? इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसका फुल फॉर्म था, ये पार्टी थी एक। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या हो जाएगा आपका? लोकतंत्र में क्या आ जाएगा? जनता का शासन। क्या आ जाएगा? जनता का शासन होता है इसमें। जनता जिसे चूज करती है, चुनती है, वही राजा, राजतंत्र यानी चलाता है, पूरा वहाँ पे राज्य करता है। चौथा दिया गया है बेल्जियम। बेल्जियम क्या दिया गया यहाँ पे? बेल्जियम क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स यहाँ पे इसका बेल्जियम का सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बेल्जियम ही है, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स से वहाँ पे चलता था। दो या दो से अधिक पार्टी, क्या दिया गया है? दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं, जो कि एक से ज़्यादा मिलकर चलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगली जोड़ी दी गई है यहाँ पे,
आगे दिया गया है यहाँ पे कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या दिया गया है, कानून लागू करती। कार्यपालिका क्या करती है, कानून लागू करती है, ये पहला नंबर कानून लागू करती है। अच्छा, दूसरा दिया गया है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक क्या होते हैं, तो यहाँ पे समृद्ध और शक्तिशाली होते हैं, समृद्ध और शक्तिशाली होते हैं। 1980 के दशक में श्रीलंका में मांग रखी थी, क्या रखी थी मांग, कि स्वतंत्र तमिल इलम बने, स्वतंत्र तमिल इलम बने, ऐसी मांग रखी थी इन्होंने। तीसरा का ये हो जाएगा। अच्छा, चौथा नंबर देख लेते हैं, बेल्जियम का क्षेत्रफल। बेल्जियम का क्षेत्रफल ये दिया गया है 30,277 वर्ग किलोमीटर दिया गया है, ये चौथा नंबर दिया गया। बेल्जियम का मॉडल, बेल्जियम का मॉडल क्या है आपका, यहाँ पे उदारता और समानतावादी सामुदायिक बनाना, ये आपका पाँचवा हो गया। बेल्जियम तथा श्रीलंका की मुख्य समस्या क्या है, जाति तथा भाषाई संघर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमने देख लिया इसमें कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। ठीक, ये राजनीति का ये पार्ट एक का सत्ता की साझेदारी थे, इससे आ रहे थे विकल्प, इसमें हम लोग देख लेते हैं कितने नंबर का आ रहा है एक पार्ट से। ठीक है, देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट अपने पास है, ब्लूप्रिंट से देख लेते हैं। ये देखिए ब्लूप्रिंट में दिया गया सत्ता के साझेदारी से दो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ये हमको समझना है कितने आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्टिव। इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव बस आ रहा है। अब संघवाद में चलेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आ रहा है, तो एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फिर इससे राजनीतिक दल से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, और तीन ऑब्जेक्टिव लोकतंत्र के परिणाम से है, तो बहुत सही है। तो हम लोग देख लेते हैं अगले पार्ट को, देख लेते हैं, चलिए। अभी इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव में आपके खालिस्तान, इसमें दिया गया है एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक वाक्य उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, दिया गया यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहली और तमिलियों की आबादी का क्या अनुपात रहा है इसमें, तो यहाँ पर जो अनुपात रहा है वो लगभग लगभग सिंहली और तमिल जो थे, सिंहली तमिल में 74% जो थे सिंहली थे, ठीक है, 18% जो थे आपके क्या थे तमिल थे, क्या थे 18% आपके तमिल थे, और 74% क्या थे सिंहली थे, बाकी शेष अलग थे। ठीक है, यस, कितने थे 74% और ये जो तमिल थे 18% थे। ठीक, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, ये हुई थी 4 अक्टूबर 1830 को, 4 अक्टूबर 1830 को हुई थी, कितनी हुई थी 4 अक्टूबर 1830, याद रखना है। अगला दिन, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, बेल्जियम में, तो बेल्जियम में भी देखते थे फ्रेंच और डच, कौन सी फ्रेंच और डच, फ्रेंच एवं डच, ठीक है, फ्रेंच एवं डच बोली जाती है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार था, यहाँ पे सत्ता उसी की तरफ जाती थी जहाँ बहुसंख्यावाद रहता था, तो इसका क्या है बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यावाद कह सकते हो। ठीक है, यस, श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या था, कोलंबो था, क्या था कोलंबो था, ठीक है, क्या था कोलंबो था। सिक्स नंबर, क्या भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती है, भारत में तो आपको पता है भारत देश में आप रहते हो, तो भारत में क्या है संसदीय, संसद होता है यहाँ पे, क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली चलता है। ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, तो जनता का शासन वही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है, तो जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है, क्या होता है जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है, क्या होता है लोकतंत्र होता है जनता का शासन ही। अच्छा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ें हमको जानना है, नाटो का मुख्यालय ही तो ब्रुसेल्स में था, कहाँ था ब्रुसेल्स में, कहाँ था ब्रुसेल्स में था नाटो का मुख्यालय। अच्छा, अगला दिया, श्रीलंका में किन्हीं दो समुदायों के बीच संघर्ष हुआ, किन दो समुदायों के बीच में, सिंहली एवं तमिल, ठीक, दो के बीच में हुआ था।
अच्छा अगला दिया, श्रीलंका में किस सन में तमिल को दरकिनार कर हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? ओ, हिंदी को घोषित कर दिया गया था कब? 1956 में। कब? 1956 में कर किया गया था ऐसा। सत्ता के साझेदारी क्या है? सत्ता के साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। क्या होता है? लोकतंत्र की आत्मा होती है। और इसमें ये भी कह सकते हो लोकतंत्र का आशय ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उन्हें लोग सत्ता में बंटवारा चाहिए, सत्ता के बांटा जाए। क्या होता है? सत्ता के बांटा जाए, यही तो हमारा सत्ता, सत्ता की साझेदारी ही तो लोकतंत्र होता है, ये आत्मा है उसकी। ठीक, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? बेल्जियम अभी आप लोगों ने देखा था, बेल्जियम किस यूरोप महाद्वीप में था, अभी हम लोगों ने देखा था, यूरोप महाद्वीप में, पीछे भी आ चुका है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ ले सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं सत्ता की साझेदारी जिसमें प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है, जिसमें प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अच्छा, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, तो जनता, लोकतंत्र जनता का ही शासन होता है। अच्छा अगला दिया, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में ही है। गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध यानी अपने ही मुल्क में किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। बिल्कुल, तो ये आपका दिया गया है। आगे दिया है सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? सामुदायिक सरकार किसे, तो सामुदायिक सरकार ये होता है कि जो लोकल सरकार होती है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरी प्रकार की जो सरकार थी वो क्या थी? सामुदायिक सरकार थी। अच्छा, 18 नंबर दिया गया है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये अभी हमने बताया था 1948 में बना था। भारत के तीन पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल, ये सभी हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या क्या दिया गया है। ये सत्य दिया गया है, यहाँ पे कुछ दिया गया सत्य सत्य। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभप्रद होता है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं कह रहा है। क्या दिया गया है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद होता, बिल्कुल सही है। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा बना रहता है, अंदेशा घटता। अच्छा, अंदेशा घटता है तो ये घटता है तो फिर सही है। ठीक है, अंदेशा है तो घटता है तो फिर सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये दिया गया यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। क्या दे, बेल्जियम में एक सकारात्मक सरकार है। क्या है? बेल्जियम में एक सकारात्मक सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक सरकार हो गई थी बाद में, इसको हम कह सकते हैं सकारात्मक सरकार। श्रीलंका में सरकार की नीतियाँ तमिल भाषा में है। क्या है? तमिल भाषा में है सरकार की नीतियाँ, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि तमिल भाषा में है, हिंदी भाषा में हो गई थी फिर, तो ये गलत बात है। बेल्जियम को 19 अप्रैल 1847 को मान्यता प्राप्त हुई बेल्जियम को, तो ये तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ये तो गलत बात दिया गया, 1948 में हुई थी, ये गलत दिया गया है। अच्छा, वो तो श्रीलंका का था, सॉरी, इसका भी ये नहीं है, ये दूसरा था, तो ये गलत है इसमें। ठीक है, गलत दिया गया है। बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक है, बेल्जियम में। अच्छा, इसमें क्या दिया गया था? 1839 दिया गया था, ये सत्य है। सॉरी बच्चों, ये क्या है? सत्य है, ये यहाँ पे 39 दिया गया है, हमें 29 दिखा था, इसलिए हमने इसमें बताया गलत है, तो 1839 है। ठीक है, ये सही है। छठवां नंबर क्या है? बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक है, ये तो बिल्कुल असत्य बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीलंका में तमिल, अंग्रेजी, उर्दू भाषाएं बोली जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था, शासकीय धर्म घोषित किया गया, शासकीय धर्म घोषित किया गया, ये तो बिल्कुल सही बात है। संसद विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है, ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि संसद विधायिका का मुख्य कानून बनाता है, अभी जो हम लोग जोड़ी में भी देखे थे, सही था।
दसवां नंबर, सामुदायिक सरकार का विचार सर्वप्रथम भारत में आया था? नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, अभी भी नहीं है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय भारत में है? यूरोपीय संघ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ब्रुसेल्स में है। दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते तो संघीय सरकार? नहीं, ये भी गलत है, सत्य वो तो फिर गठबंधन हो जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार जब मिलकर शासन करते तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं? नहीं, ये भी गलत बात है। तो ये कुछ असत्य चीज़ें दी गई हैं, तो इसको हम लोग समझ सकते थे। एक लेसन की कहानी थी जिसमें से आपके आ जाएंगे, इसमें से बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस हैं, आप फंस सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे।